से उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, गुहार करते हैं, अनुरोध करते हैं कि इस विभत्स कुकृत्य को रोकने का कष्ट करें, नहीं तो रोज एक निर्भया बनती रहेगी इस देश में। उम्मीद तो हम लोग पहली जो है बंगाल की सरकार से हमें तो बिल्कुल कुछ उम्मीद ही नहीं। इंसाफ के लिए, जनता की सेवा के साथ साथ अपने महिला डॉक्टर की इंसाफ के लिए लगातार सड़कों पर उतरेंगे। ये अनशन देना पड़ेगा या हम लोगों को आत्मदाह भी अगर उसके लिए करना पड़ेगा तो करने के लिए तैयार है, पीछे नहीं हटेंगे। हम एक लड़की होके क्या एक अभिशाप है क्या? हम लड़की आगे, अच्छा मैं सोच रही हूँ कि लड़की पैदा करूँ, तो मैं सोच रही हूँ सरकार से पूछूँ मैं पैदा करूँ कि ना करूँ, वो सेफ है कि नहीं है आज के समाज में। अगर हम एक हो गए तभी एकता में अखंडता है। अभी कुछ दिन पहले हमने आजादी जरूर मनाई, पर अपनी आत्मा में झांक के देखिए, कहीं ना कहीं आपके खून ने उबाल मारा है। क्या हम आजाद हैं? नहीं। क्या चिकित्सक समुदाय, क्या पैरामेडिक आजाद है? नहीं। क्या हमारी नर्से, हमारे चिकित्सक काम करते हुए सुरक्षित है? नहीं। तो इस देश को हमें क्या बताना है साथियों? हमें ये बताना है अगर सुशासन चाहिए तो वेस्ट बंगाल जैसा नहीं उत्तर प्रदेश जैसा सुशासन होना चाहिए। लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है, वहीं दूसरी तरफ वही नारियां हैवानियत की शिकार हो जाती हैं। जहां सूरज अभी ठीक से अपनी दस्तक भी नहीं दे पाया, वहीं एक शख्स ने रूह कांप जाने वाली घटना को अंजाम दे दिया। दरअसल यह पूरा मामला 9 अगस्त 2024 की सुबह कोलकाता के एक मशहूर सरकारी मेडिकल कॉलेज में एक महिला की ड्यूटी के दौरान बलात्कार कर मौत के घाट उतार दिया। शुरू में इसे आत्महत्या बताया गया और कॉलेज प्रशासन ने पीड़िता को दोषी ठहराया, लेकिन जब ये साफ हो गया कि ये हत्या थी, तब से सभी डॉक्टर लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। 13 अगस्त 2024 को केस सीबीआई को सौंपा गया था, तब से लोग रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। इसका आक्रोश पूरे देश में नजर आ रहा है। ऐसा ही नजारा राजधानी लखनऊ के 1090 चौराहे पर देखने को मिला। चारों तरफ इंसाफ के नारे गूंज रहे हैं। डॉक्टरों ने मांग रखी है कि इस मामले की तेजी से जाँच हो और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी हो, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन हो, कोलकाता के सभी मेडिकल कॉलेज में गृह मंत्रालय और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी सभी रेजिडेंट डॉक्टर को सुरक्षित माहौल मुहैया कराए। घटना को लेकर कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी, हम लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। प्रदर्शन के दौरान मौन व्रत भी किया गया, साथ ही कैंडल मार्च भी निकाला गया। मैम, ये जो प्रदर्शन चल रहा है कोलकाता की घटना को लेकर, इस पर आपको सरकार से आपकी क्या उम्मीद है? देखिए, ये जो रोष और ये गुस्सा और ये आक्रोश जो आप देख रही हैं डॉक्टरों के बीच, ये जो कोलकाता में जो मर्डर एंड रेप का भयंकर केस हुआ है, इस विभत्स कुकृत्य के लिए हम सरकार से गुहार लगाते हैं कि उनके आरोपियों को पकड़ा जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जब तक उनको सजा नहीं मिलेगी, हम ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे और हमारी सरकार से एक और दरख्वास्त है कि आए दिन जो डॉक्टरों पे हिंसा, बलात्कार, इस तरह की चीज़ें रोज कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है, कोई ऐसा नियम कानून बनाए, कोई ऐसा सख्त का एक्ट बनाए जिसके तहत अपराधियों को, आरोपियों को सजा दी जाए, ताकि दूसरी बार कोई भी उसको सोचने की हिम्मत ना करे। प्रदर्शन को आज लगातार 7वां दिन है, तो अगर ये प्रदर्शन करके अगर आप लोग की मांगे नहीं पूरी होती तो ये प्रदर्शन लगातार कितने दिन तक चलता रहे? ये प्रदर्शन तो देखिए, आक्रोश तो डॉक्टरों में है ही है, मांगे कितनी पूरी होंगी नहीं होंगी ये तो हम नहीं कह सकते, कितने एविडेंसेस नुकसान कर दिए गए हैं, किस कैसे अपराधी को पकड़ा जाएगा, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है, लेकिन फिर भी आक्रोश और गुस्सा तो बरकरार रहेगा जब तक उस बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक उस डॉक्टर को न्याय नहीं मिलेगा। आप इमेजिन करके देखिए, इतना विभत्स कुकृत्य उस बेटी पर, उस डॉक्टर पर क्या बीती होगी, उसके परिवार किस तरह के स्ट्रेस में जी रहे होंगे और कितनी सदियां लग जाएंगी उस परिवार को सामान्य होने में, आप बताइए कौन है इसका जिम्मेदार, कौन है ये लोग इतना घाव देने वाले लोगों को? बिल्कुल, कहीं ना कहीं उम्मीदें हैं कि सरकार इस तरह प्रदर्शन करके आप लोगों को न्याय मिलेगा। हमें उम्मीद है पूरी सरकार से कि हमें न्याय जरूर
जरूर मिलेगा और वो अपराधी जरूर पकड़े जाएंगे और उन्हें जरूर फांसी की सजा मिलेगी। हम उम्मीद करते हैं सरकार से, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, गुहार करते हैं, अनुरोध करते हैं कि इस विभत्स कुकृत्य को रोकने का कष्ट करें, नहीं तो रोज एक निर्भया बनती रहेगी इस देश में। बिल्कुल, चलिए इसी प्रदर्शन इसी कतार में हम और लोगों से बात करेंगे। मैम, ये जो प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, इसमें तो आप लोगों से क्या उम्मीद है? वी वॉन्ट अ सेफ एंड सिक्योर्ड एनवायरमेंट फॉर द डॉक्टर्स। हम कभी भी अपनी ड्यूटी, अपना काम ईमानदारी से करने से पीछे नहीं रखते हैं, लेकिन एक डॉक्टर होते हुए हमारा एक सिविक राइट है, दैट शुड बी प्रोटेक्टेड एंड दैट शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। सो वी वॉन्ट जस्टिस फॉर द विक्टिम। उम्मीद तो हम लोग पहली जो है बंगाल की सरकार से, हमें तो बिल्कुल कुछ उम्मीद ही नहीं है। सरकार के होते हुए, पुलिस के रहते हुए, वहाँ पे जहाँ पे रेप हुआ था डॉक्टर साहब का, जहाँ पे मर्डर हुआ था डॉक्टर साहब का, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवा दिया और पुलिस वहाँ बैठी हुई थी। अब जब एक पुलिस की इतनी जिम्मेदार नहीं है जहाँ की, कि जहाँ पे इंसिडेंट पेश हुआ, जहाँ पे वारदात हुई, उसको जो है वहाँ पे उसको प्रोटेक्ट कर सके, तो हम उनसे क्या उम्मीद करें? पुलिस के रहते हुए 4000 क्राउड डॉक्टर को वहाँ मारने चली गई और उसके बावजूद भी वहाँ पर प्रशासन उनको नहीं रोक पाई और उल्टा इल्जाम लगा रही कि दूसरे लोग थे, गुंडागर्दी करने आए थे। अगर पुलिस वाला चाहे तो मस्जिद और मंदिर के बाहर से चप्पल चोरी नहीं हो सकती। वहाँ पे 4000 क्राउड, 4000 का मॉब वहाँ पर जो है डॉक्टर्स को मारने पहुँच गया। हम लोग अपनी मांग उठाते रहेंगे, हम लोग हड़ताल करते रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। मतलब लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा अगर आप लोगों को सरकार से इंसाफ नहीं? बिल्कुल। अब पहले तो हम सिर्फ रेजिडेंट डॉक्टर थे, आज हमारे साथ हमारे टीचर्स हैं, आज हमारे साथ हमारी नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, हर कोई हमारे साथ है। आज हम कल का मुकाबला करें तो आज हमारी आवाज और बुलंद है, और जैसे जैसे इंक्वायरी करें हमारी आवाज और बुलंद हो जाएगी। हमें इंसाफ चाहिए। बिल्कुल, देखिए सरकार से बहुत बड़ी उम्मीद होती है और उम्मीद करता हूँ कि पश्चिम बंगाल की जो भी सरकार है वो हम डॉक्टरों के साथ, जो डॉक्टर दिन रात ना देखते हुए हमेशा जनता की सेवा में लगे रहते हैं, डॉक्टर के साथ ऐसी घटना हुई है तो पूरी उम्मीद है कि वहाँ की सरकार हम लोगों के लिए निष्पक्ष फैसला देगी और ऐसा कुछ कार्य करेगी जिससे जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकेगा, किसी भी डॉक्टर के साथ ऐसी घटना नहीं घटित होगी। तब्दीलियाँ देखिए, अभी तो हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, ये प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा क्योंकि डॉक्टर शांति प्रिय होता है, न्याय का प्रिय होता है, शांत का प्रिय होता है, तो डॉक्टर का भी उपद्रव नहीं कर सकता है। लेकिन अगर हमको न्याय नहीं मिला तो शायद हम लोग अगला कुछ बड़ा कदम उठाएंगे, क्योंकि 7 दिनों से लगातार हम लोग रोड पे हैं, दिन भर ओपीडी करते हैं, मरीजों को देखते हैं, मरीजों को देखने के बाद उसके बाद जब भी हम निकलते हैं वहाँ से तो तुरंत हम इंसाफ के लिए, जनता की सेवा के साथ साथ अपने महिला डॉक्टर की इंसाफ के लिए लगातार सड़कों पर उतरेंगे। ये अनशन देना पड़ेगा या हम लोगों को आत्मदाह भी अगर उसके लिए करना पड़ेगा तो करने के लिए तैयार है, पीछे नहीं हटेंगे। तो आप लोगों ने देखा कि कितना ज़्यादा आक्रोश है और लगातार यहाँ लोग कह रहे हैं कि अगर इस प्रदर्शन से ये नहीं थमा मामला, अगर हम लोगों की बात अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग आत्मदाह भी कर सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इस घटना को लेकर प्रदर्शन कितना जोरों से चल रहा है। मैम, ये जो घटना को लेकर आक्रोश नजर आ रहा है, क्या आपको लगता है कि सरकार से क्या उम्मीदें कर रही हैं? सरकार तो कुछ नहीं करेगी, लेकिन हमें जस्टिस चाहिए क्योंकि हमारी नर्सेज, हमारे डॉक्टर्स सेफ नहीं है। उसके लिए कोई जल्दी एक्शन लेना चाहिए ताकि ये इन फ्यूचर ये घटनाएं ना हो, हमारी सारी महिलाएं सेफ रहें। थैंक यू। मैम, इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, मेरा एक मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि ये जो एक रेप हुआ है, ऑन ड्यूटी हुआ है, मेरा ये मुद्दा सिर्फ नहीं है। मेरा मुद्दा है कि भारत की लड़की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचाओगे कैसे? ऐसे बचाओगे बेटी? मेरा मुद्दा ये है, आप बेटी ऐसे बचा रहे हो, हमें ऐसे बेटियां नहीं बचानी है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, हमें सरकार से, ममता बनर्जी मैडम ने जो बोला, छोटे कपड़े वाली बात बोली, वहाँ की सरकार सो रही है, मतलब आपकी ही सरकार सो रही है, अगर कोलकाता की सरकार सो रही है तो कैसे काम होगा? हम बेटियाँ, हम लोग कैसे सेफ होंगे? पहला मुद्दा मेरा ये है। दूसरा मुद्दा, आज आप एक भीड़ देखिएगा, यहाँ पे एक डॉक्टर्स की भीड़ है बहुत बड़ी। तो एक मुद्दा ये है कि क्या ये एक डॉक्टर की बात है इसलिए ये भीड़ है, या ये पूरे भारत की, पूरे हिंदुस्तान की बात है इसलिए ये भीड़ है? मुझे तो लग रहा है ये एक छोटे से समुदाय की भीड़ है यार, केवल डॉक्टर दिखाई दे रहे हैं। क्या हमको ये न्याय नहीं चाहिए कि और भी लोगों को इसमें आना चाहिए? आज यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारी पुलिस खड़ी है, कल ये किसी पुलिस वाले के साथ हो सकता है, किसी पुलिस वाले की लड़की हो सकती है, कल ये किसी वकील की लड़की हो सकती है, कल ये किसी जज की लड़की हो सकती है, तो फैसला क्या तुरंत होगा? और मेरा कहना है, क्या ये इसके लिए इतना टाइम होना चाहिए? उस आदमी ने रेप किया,
होगे, लेकिन जो हुआ है वो पूरी दुनिया देख रही है। उसके बाद वो बंदा घर जाके आराम से सो रहा है, तो मुझे तो लगता है डर है ही नहीं। कहाँ है डर? अगर उसको डर होता तो पहली बात वो ये काम नहीं होता, अगर उसको डर होता तो दूसरी बात वो जाके सो नहीं जाता और ये कुछ करता ही नहीं। और हमारा जिस हॉस्पिटल में ये केस हुआ, हम भी सब एक हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग जिस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं हम वहाँ सेफ नहीं है, हमारी नाइट ड्यूटी लगती है, हमारी डे ड्यूटी लगती है, तो हम नाइट में क्या हमारे घर वाले हमें पढ़ने ना भेजे? निर्भया कांड हो रहा है उत्तराखंड में, नर्सेस, मतलब अभी आपने एक डॉक्टर का अभी पूरा अच्छे से एक डॉक्टर की इंक्वायरी हुई नहीं और एक दूसरा कांड हो गया, क्यों? हम लोगों को इसका जवाब चाहिए। मतलब हम एक लड़की होके क्या एक अभिशाप है? क्या हम लड़की आगे, अच्छा मैं सोच रही हूँ कि लड़की पैदा करूँ, तो मैं सोच रही हूँ सरकार से पूछूँ मैं पैदा करूँ कि ना करूँ, वो सेफ है कि नहीं है आज के समाज में? मुझे ये आंसर सरकार से चाहिए। कल को हमारे अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग स्कूल भेजते हैं, वैन से भेजते हैं, हर जगह से भेजते हैं, सेफ नहीं है। मेरा मुद्दा सिर्फ डॉक्टर नहीं है, मेरा मुद्दा हर एक लड़की का है, वो ये भी हो सकती है, वो हम भी हो सकते हैं, वो आपके घर में भी कोई हो सकता है। हमें न्याय चाहिए, न्याय में लेट नहीं होना चाहिए और एक डर होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी उस पर कुछ बोल नहीं रहे। मणिपुर में एक कांड हो गया, आपने देखा मणिपुर में एक कांड हुआ, क्या हुआ? औरतें नंगी जा रही हैं, क्या समझ रखा है औरतों को? बांग्लादेश में आप देख लीजिए, एक औरत को वैन में लेके, मैंने तो न्यूज़ देख करके मैं दंग हो जाती हूँ कि कहाँ है सरकार। एक औरत को लेके वैन में 10 लोग घुस गए, एक तमाशा बन गया है। क्या औरत का शरीर एक तमाशा बन गया है? ऐसे तो शक्ति बोला जाता है, ऐसे तो हम 78 इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, कहाँ है इंडिपेंडेंस डे? मुझे सिर्फ न्याय चाहिए और मुझे पता नहीं किसके लिए, मुझे अपने लिए चाहिए, क्योंकि मैं खुद नाइट ड्यूटी करती हूँ, खुद मैं रात को 8 बजे 9 बजे निकलती हूँ। कोई चेन ना छीन ले, कोई दुपट्टा ना छीन ले, हम इस डर में जी रहे हैं भारत में, ये हमारा भारत है, हम इस डर में जी रहे हैं और हम तो बहुत आगे आ चुके हैं ना, अब तो फिर क्यों डर है हमें? तो मुझे सरकार से एक अपील है कि हमको न्याय दिलवाइए, उन लोगों को गिरफ्तार करवाइए, उनको फांसी दिलवाइए और एक डर उनकी लोगों की आंखों में होना चाहिए कि हमें औरत की तरफ नज़र उठा के नहीं देखना है, औरत के साथ नहीं करना है। वो लड़की ऑन ड्यूटी थी, अपनी ड्यूटी 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, उसके बाद हम जाके 1 घंटा अगर सो गए तो आप हमारा तो बिल्कुल चीरहरण कर दोगे। हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय दिलवाइए। थैंक यू सो मच। आप देख सकते हैं कोलकाता की घटना को लेकर किस तरह से जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। हर देश में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को सरकार से लगातार मांग रहे हैं। इस ऐसी दशा को देखकर मुझे भी कहीं ना कहीं बेहद अफसोस हो रहा है। तो क्या अब देखा जाएगा कि सरकार इस प्रदर्शन को लेकर, इस आंदोलन को लेकर कितना इंसाफ देती है? आप सोच सकते हैं कि एक डॉक्टर को लेकर इतना वक्त लग रहा है इंसाफ देने में, तो ये एक सोचने की स्थिति है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं शाइस्ता खान, NTV निष्पक्ष, लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।